We are going to repeat chapter number 2. We are going to summarize. आज मैं दोबारा से summary आपको बता रही हूँ. Hello. तो मैं आपको बता रही थी scorpion की habits के बारे में. Scorpion की habits कैसी होती हैं? अगर आप उनके पास जाते हो, उनको ज़्यादा देर उनको अगर आप धूप में या बाहर लेकर जाओ या उनको टच करो तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं. ठीक है, इस तरह से ये स्कॉर्पियंस का बिहेवियर होता है या रेप्टाइल्स का बिहेवियर होता है. और इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये बता रखा है चैप्टर में कि अगर आप ज़रा सा उनको टच करोगे तो आपसे दूर चले जाएंगे, बहुत दूर भाग जाएंगे. तो इसलिए आपने उनको टच नहीं करना और बिल्कुल उनको दूर से देखना है. अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे.
Last paragraph है, by means of my sudden and unexpected assaults on the wall I discovered quite a bit. वो उसके बाद क्या करता है, जो दूसरी वॉल होती है उसमें भी थोड़ा सा छेद कर देता है, और उसके अंदर से मतलब उनको जो एनिमल्स होते हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं, इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पता नहीं था. और वो वहां पे क्या देखता है, स्कॉर्पियंस, बहुत सारे स्कॉर्पियंस होते हैं, और जो और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, या ग्रास हॉपर्स, मोथ्स, लेस विंग फ्लाइज, तो उनको उनको पता ही नहीं होता कि वो वहां पे आ रहे हैं, इसलिए वो हैरान हो जाता है एकदम से, मतलब हिलने जुलने लग जाता है, इधर उधर भागने लग जाता है, क्योंकि वो वहां पे छिपे होते हैं. नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर रहे हैं हम. उसमें ये बता रखा है कि ये देखो, एक इन्होंने एक फीमेल स्कॉर्पियन की पिक्चर दिखा रखी है इसमें, फोटोग्राफ. तो उसमें क्या दिखा रखा है कि वो क्या फाइंड करता है कि वहां पे बहुत सारे, वहां पे एक फीमेल स्कॉर्पियन है, उसको दूर से अपीयरेंस ऐसे लग रही है, दूर से पिक्चर में देखने में उसको पता नहीं चल रहा कि उसमें क्या है, ऐसे लग रहा है उसको कि ब्राउन कलर का कोई क्लोथ है. तो पास से जाके वो देखता है, उससे क्या पता चलता है कि एक्चुअली जो इसका मटेरियल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे कि एक फैब्रिक होता है, एक कपड़ा. उसको क्या पता चलता है कि फीमेल स्कॉर्पियन होती है, उसके ऊपर बहुत सारे जो उसके बेबीज होते हैं वो चिपके होते हैं, क्लिंग होते हैं, मतलब चिपके होते हैं, वो दिखाई देता है उसको. लेकिन पास जाके उसको ये पता चलता है कि फीमेल स्कॉर्पियन है, उसके उसके ऊपर बहुत सारे जो बेबीज हैं वो चिपके हुए हैं. तो फिर वो क्या करता है, वो ये मन बना लेता है कि एक मैच बॉक्स के अंदर, माचिस के डिब्बी जो होती है उसके अंदर उनको डाल लेगा, और उसको डाल के अपने घर ले जाएगा. वो ये मन बना लेता है. तो वो क्या करता है कि एक मैच बॉक्स लेकर उसमें डाल लेता है, और वो क्या करता है कि उनको अपने घर ले जाता है, और अपनी फैमिली में वो किसी को बताना नहीं चाहता. तो क्या करता है वो, आई वॉज एनरप्चर्ड बाय दिस फैमिली. तो उसने वो कहता है कि दिस पैराग्राफ, वो कहता है कि ये जो फैमिली है उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो क्या करता है कि जल्दी से उनको मैच बॉक्स में, माचिस में डाल के वो सोचता है कि मैं अपने रूम में चला जाता हूँ, उनको छिपा देता हूँ बेडरूम में जाकर. तो ताकि वो इसलिए करना चाहता है ऐसा, क्योंकि वो उनको बड़े हुए, बड़ा होते हुए देखना चाहता है. इसलिए वो कहता है कि अगर ये इतने छोटे छोटे से हैं तो मैं इनको बड़ा होकर देखना चाहता हूँ, बड़े होकर. तो वो अब क्या करता है कि अपने घर में एंटर करता है, तो वो क्या देखता है जाकर कि जो लंच सर्विंग का टाइम होने वाला है, उनका लंच टाइम होने वाला है, तो वो सारे जो उसके घर के लोग हैं वो डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं. तो वो क्या करता है, हाउ आई प्लेस मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस. अब वो क्या करता है कि मेंटल पीस होता है जो आपका, जैसे ड्रॉइंग रूम है उसके ऊपर कोई शेल्फ बनी हुई है, उसके उसके ऊपर जाकर रख देता है वो माचिस को, और ताकि उनको हवा मिल जाए और वो अपने डाइनिंग रूम में चला जाए. इसमें डाइनिंग रूम की पिक्चर भी दिखाई है, ये देखो डाइनिंग रूम की पिक्चर है, वहां पर चला जाए, वहां पर उसकी फैमिली के लोग बैठे हुए, और ताकि उनको लंच के लिए ज्वाइन कर ले, मतलब जो वो लंच करना करने वाले हैं उसके लिए चला जाए वो, और वो रख देता है ड्राइंग रूम में उसको. ठीक है, उसके बाद वहां पे जो लोग बैठे होते हैं उनके वहां पे डिस्कशन चल रही होती है, और वो जो उनका डॉग होता है रोजर, वो उसको क्या करता है, खाना खिलाना शुरू कर देता है. और वो देखता है कि जो उसकी फैमिली के लोग हैं वहां पे वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और वो मतलब किसी चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं वहां बैठे हुए वो सारे. ठीक है, और वो उनको देखता है, फैमिली के लोगों को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखता है, तो वो भी उनकी बातें सुनने लग जाता है, और वो जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनके बारे में बिल्कुल भूल जाता है. तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब वो खाना खा लेते हैं तो वो जो लैरी जो है उसने अपना खाना खत्म कर लिया, और वो उठ के वहां से देखती है कि भी जो मैच बॉक्स पड़ा है माचिस, उसको पता नहीं था उसके अंदर क्या है. तो वो उसको उठा लेती है, और वो एकदम से उसको खोलती है, तो एकदम से चिल्लाती है जोर से, क्योंकि उसमें क्या था, स्कॉर्पियन फैमिली थी उसके अंदर. अब वो क्या करता है कि वो ये चीज सॉरी वो चीज ध्यान रखता है कि भी इससे उनको कोई भी नुकसान ना हो. लेकिन जब वो एकदम से खोलती है, मैच बॉक्स खोलती है, तो उसके अंदर उसको मिलता है स्कॉर्पियन, और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देती है. वो स्कॉर्पियन जो है एकदम कॉर्नर पे आ जाती है बाहर, और वो बाहर आना चाहती है, मतलब उसको जैसे ही मौका मिलता है वो अपना फेस बाहर निकाल लेती है और वहां से बाहर आना चाहती है. और वो एकदम से कहाँ पे आ जाती है, स्कटल्ड ऑन द बैक ऑफ लैरीज हैंड. वो लैरी का जो हाथ का पीछे वाला हिस्सा होता है एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाती है. तो उसको ये समझ में नहीं आता कि वो एकदम क्या करे. तो वो थोड़ी देर रुक जाती है, और उसकी जो स्टिंग होती है, थोड़े से जो कांटे होते हैं वो चुभते हैं उसको. लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज ग्लांस डाउन टू सी व्हाट इट वाज, फ्रॉम द मूवमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कंफ्यूज.
सॉरी, उसके बाद क्या होता है कि वो जो उसके हाथ के ऊपर होता है स्कॉर्पियन, तो वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करे, क्योंकि उन इनमें से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता। तो वो एकदम से वहां पे शोर मच जाता है, और लग्रेटिजिया जो होता है वो एकदम से वो शोर सुन के वो प्लेट नीचे गिरा देता है, और उसके उसके जो नीचे है वो जो होता है डॉग, वो एकदम से भौंकना शुरू कर देता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 103। अभी तक मैंने आपको समरी बताई है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट द लास्ट ऑफ द क्लास वी विल टेक अप सम टाइम फॉर द क्वेरीज, ओके स्टूडेंट्स? सो नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 103। विद अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्को एंड लेस्ली, स्कैटरिंग बेबीज लाइक कन्फेट एंड एज ही थम्ब ऑन द क्लोथ। तो उसके बाद वो क्या देखती है कि जो जितने भी वो हैं बच्चे वो सारे बिखर जाते हैं। अब वो क्या करता है कि एक थोड़ा सा हाथ हिलाता है, और बदकिस्मती से क्या हुआ, स्कॉर्पियन जो वो एकदम से नीचे गिर गया टेबल के, और सारे वहां पे जो थे बेबीज स्कॉर्पियन वो सारे फैल जाते हैं। इस तरह से कॉन्फेटी मीन्स जैसे आप सेलिब्रेशन करते हो, बर्थडे सेलिब्रेशन या एनिवर्सरी या कुछ भी, उसमें आप पेपर्स ले लेते हो, कलर्ड पेपर जिस तरह से वो होते हैं, वो दे आर कॉल्ड कन्फेटी, वही जो है फैल जाते हैं सारे के सारे। उस तरह से जैसे वो पेपर स्प्रेड हो जाते हैं, उसी तरह से लाइक वाइज द स्कॉर्पियन एंड द बेबीज आर स्प्रेड। थोरली एनरेज्ड एट दिस ट्रीटमेंट द क्रिएचर स्प्रेड टूवर्ड्स लेस्ली, हर स्ट्रिंग क्विवरिंग विद इमोशन। लेस्ली लेप्ट टू हिज फीट, ओवरटर्निंग हिज चेयर एंड फ्लिक्ड आउट डेस्परेटली विद हिज नैपकिन, सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लोथ टुवर्ड्स मार्गो। अब क्या हुआ, उन सब में से किसी को भी पता नहीं होता स्कॉर्पियंस के बारे में, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। सो द स्कॉर्पियंस आर मूविंग डाउन द चेयर एंड लेस्ली इज सरप्राइज एंड व्हाट इज द पर्सन फीलिंग, उसको कैसा लग रहा है कि भाई वो एकदम से नैपकिन पकड़ लेता है, और वो जो है नैपकिन के ऊपर से गिर के सारे जो है स्कॉर्पियन वो जमीन पे नीचे चले जाते हैं, किसकी तरफ, टुवर्ड्स मार्गो। और वो जो कॉर्नर होता है क्लोथ का, द क्लोथ कॉर्नर, दे गेट मूव स्टार्टेड मूविंग अराउंड दैट, वो उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। हु प्रॉम्प्टली लेट आउट अ स्क्रीम दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस। अब क्या होता है कि जो एकदम से स्कॉर्पियंस को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं सबके सब, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। लेस्ली लेदी ये सारे, इन सबको कुछ भी पता नहीं होता, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्कॉर्पियन एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ एंड देर इज अ कंफ्यूजन, वहां पे सारी कंफ्यूजन है कि ये कहाँ से आए, कौन लेकर आया स्कॉर्पियंस को लेके, और स्कॉर्पियंस जो है और उसके बेबीज जो है इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं अर्थ पे, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मदर कंप्लीटली बिविल्डर्ड बाय हिज दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू केओस। अब वहां पे सब शांति से बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, लेकिन जो मदर जो है वो सारी आवाजें चिल्लाना शुरू कर देते हैं सब लोग, तो वो आवाजें सुनती है, शी लिसन्स एंड शी इज वेरी बिविल्डर्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, और वो एकदम से किस चीज से वो कंफ्यूज है, शी हियर्स द नॉइस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ जाती हैं, तो वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सब कुछ अभी तक शांत था, उसके बाद जो है वो एकदम शोर हो जाता है शुरू। और पुट ऑन हर ग्लासेस एंड पियर डाउन द टेबल, ग्लासेस मतलब वो अपने ग्लासेस मतलब चश्मा जो है वो लगाती है, पियर होता है झांकना, शी पियर डाउन द टेबल टू सी व्हाट वाज कॉजिंग उसको, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस हर्ड द ग्लास ऑफ एट इट, और वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी में उसको कुछ समझ में नहीं आता कि भी इनको किसी तरह से भगाओ, और वो एक पानी का ग्लास लेकर हर्ड मतलब उनके ऊपर फेंकना, एकदम से ऊपर फेंक देता है। द शावर मेस द एनिमल कम्प्लीटली बट सक्सेसफुली ड्रेंच मदर, वो गलती से क्या हो जाता है कि वो जो पानी जो है वो उसके ऊपर फेंकना चाहता है, लेकिन वो गलती से किसके ऊपर चला जाता है, मदर के ऊपर, और वो ड्रेंच मतलब भीगना, गीली हो जाती है बिल्कुल। एंड शी इज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। द शावर मिस द एनिमल कम्प्लीटली, वो मिस एनिमल मतलब एनिमल के ऊपर पानी डालना था, उसके ऊपर तो गिरा नहीं, वो पानी किसके ऊपर चला जाता है, मदर के ऊपर। मदर हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रेथ एंड सैट गैस्पिंग द एट द एंड ऑफ द टेबल। तो
तो उसके बाद क्या हुआ कि मदर के ऊपर पानी चला गया, वो गिली हो जाती हैं, शी गेट्स अपसेट, वो जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देती हैं, वो टेबल का जो एंड होता है कॉर्नर कोना उसके पर बैठ जाती हैं। तो मतलब वो इतनी ज्यादा उनको तेज सांस आ रहा होता है, शी इज ब्रीदिंग वेरी लाउडली एंड गैस्पिंग यू कैन से, एंड शी इज नॉट एबल टू से समथिंग, वो कुछ कह नहीं पाती, इतनी अपसेट, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, और जो बच्चे हैं उन्होंने उनको भी नहीं पता था, उसने बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली बताया था, सॉरी बताया नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली वो बाहर आ गए थे। तो वो बहुत ही अपसेट है मदर इस बात को लेकर, एंड शी इज सिटिंग, शी इज ब्रीदिंग वेरी लाउडली। अब वो इतनी ज्यादा अपसेट है कि वो प्रोटेस्ट, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रही, वो रोक नहीं कर पा रही, रोक नहीं पा रही, वो क्या करे। द स्कॉर्पियन हैड नाउ गोन टू द ग्राउंड अंडर लेस्ली'स प्लेट। अब क्या हुआ, स्कॉर्पियन जो है वो नीचे चला गया प्लेट के नीचे, लेस्लीज प्लेट के नीचे, व्हाइल हर बेबी स्वॉर्म वाइडली ऑल ओवर द टेबल। और जो उसके बेबीज थे वो टेबल के ऊपर घूम रहे थे, वो मदर जो है वो मदर स्कॉर्पियन वो नीचे थी, शी वॉज बीनीथ द प्लेट एंड द मदर द बेबीज आर ऑन द टेबल ऑल ओवर द टेबल, मिस्टिफाइड बाय द पैनिक बट डिटरमाइंड टू डू ही शेयर रैन राउंड राउंड एंड द रूम बार्किंग हिस्टेरिकली। जो वो था रोजर, जो उनका डॉग था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, वो भी बहुत हैरान हो रहा था उनको देख के, वो एनिमल्स जो है उनको देख के वो बार्किंग करना शुरू कर देता है, मतलब भौंकना शुरू कर देता है, वो कमरे में घूमता रहता है राउंड एंड राउंड हिस्टेरिकली, मतलब कि वो ही गेट्स द डॉग गेट्स मैड, उसको भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है उनको देखकर, और वो घूमता रहता है इधर उधर, उनको उनके ऊपर भौंकता रहता है वो, कि वो हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गए। लुक आउट इज दैट ब्लास्टेड बॉय अगेन बिलोड लैरी, वो लैरी जो कहता है कि ये सब उल्टे काम इस लड़के के होंगे, वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है उसके ऊपर, लुक आउट दे आर कमिंग, स्क्रीम्ड मार्गी, ऑल वी नीड इज अ बुक, रोड लेस्ली, डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक, व्हाट ऑन अर्थ द मैटर विद यू ऑल, मदर केप्ट इम्प्लोरिंग मोपिंग हर ग्लासेस। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो कुछ तो टेबल के ऊपर होते हैं, और जो मदर होती है वो दैट इज ऑन द अर्थ। अब वो जो होता है डॉग रॉजर, वो भौंकना शुरू कर देता है बहुत ज्यादा, तो वो लैरी कहते हैं कि ये सब इस लड़के का ही काम होगा, सब उल्टे काम इसी के हैं। तो उसने मार्गी जो है वो कहती है कि वो देखो वो आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, लेस्ली कहता है कि मुझे किसकी नीड है, बुक की, कि हमें एक बुक की जरूरत है, हम क्या करेंगे कि आप डरो मत, डोंट पैनिक, मतलब डरो मत, हम क्या करते हैं बुक से उनको हिट कर देते हैं, मतलब कि वो सॉरी वो भाग जाएंगे। व्हाट ऑन द अर्थ, अब वो मदर बोलती है मोपिंग हर ग्लासेस, मतलब ग्लासेस जो उन्होंने चश्मा पहन रखा होता है उसको साफ करती है, वो कहते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है सब, व्हाट ऑन द अर्थ द मैटर विद यू ऑल, ये सब तुम सब क्या कर रहे हो, कि व्हाट्स द मैटर, वो कहती है कि वो जानना चाहती है कि उसको पता नहीं होता अभी तक कि क्या हो रहा है, कह रही है कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो कह रही है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, और वो ग्लासेस जो है अपने वो क्लीन कर रही होती है। मोपिंग का मतलब बेसिकली तो स्टूडेंट्स होता है कि पोंछा लगाते हैं जो हम, बट यहाँ पे मोपिंग का मतलब है क्लीन करना, ग्लासेस को क्लीन करना। ओके, उसके बाद दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, लुक एट द टेबल नी डीप इन स्कॉर्पियन, वो कहते हैं कि ये तो हमें मार डालेगा, वो सारा इतने सारे स्कॉर्पियंस हैं, नी डीप मतलब काफी सारे हैं, तो आपने पिक्चर में देखा था कि वो बहुत सारे जो मदर को है वो चिपके हुए, मैंने आपको आई हैड शोन यू द पिक्चर, तो वो कह रहे कि इतने सारे हैं, देखो वो टेबल के ऊपर देखो, तो क्विक क्विक डू समथिंग, लुक एट लुक आउट स्टॉप स्क्रीचिंग एंड गेट अ बुक, फॉर गॉड सेक यू आर वर्स देन द डॉग, शट अप रोजर। तो वो चिल्ला रहे होते हैं सारे, जो डॉग बाग कर रहा होता है, भौंक रहा होता है कि आप मत चिल्लाओ, तो वो कहते हैं कि जल्दी करो कुछ करो, लुक आउट स्टॉप स्क्रीचिंग एंड गेट अ बुक। तो वो कहते हैं कि ये गंदी गंदी आवाजें मत निकालो, और वो डॉग को बोल रहा होता है, क्योंकि बहुत ही जो डॉग की साउंड होती है उनको बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रही होती है, वो डॉग के ऊपर भौंक रहा होता है कि मत करो मत करो, तो कह रहा होता है कि भी आप ऐसे करो, बुक ले लो, और फॉर गॉड सेक मतलब भगवान के लिए बुक ले लो, कि इनको किसी तरह से भगाओ। और वो डॉग को कहते हैं कि प्लीज मत भोंको, आपकी आवाज बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, बहुत ज्यादा खराब लग रही है, स्क्रीचिंग
स्क्रीचिंग मतलब जो अनप्लेजेंट साउंड होती है, जो गंदी आवाज होती है, उसके बारे में बोल रहे हैं। सिंस नो वन हैड बॉदर्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, तो उसको कोई कुछ बता ही नहीं रहा था कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और रोजर वाज अंडर द मिस्टेकन इम्प्रेशन। ओके, जो अब ये सारे क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वो उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गेटिंग वेरी अपसेट, सब बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या करें कैसे भगाएं उनको। दे आर ऑल वेरी कंफ्यूज हाउ टू गेट रिड ऑफ देम, हाउ टू मेक देम रन आउट ऑफ द हाउस। बट वो व्हाट दे आर सेइंग, गेट सम बुक, कि एक बुक ले लो, बुक से हिट कर दो, वो भाग जाएंगे। बट उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो जो डॉग होता है वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है। रोजर वाज अंडर द मिस्टेकन इम्प्रेशन, इसका मतलब कि वो उसको गलत फहमी हो गई थी, उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दैट द फैम क्या क्या गलत गलत फहमी थी उसको, क्या गलत इम्प्रेशन था, दैट द फैमिली वर बीइंग अटैक्ड एंड दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू डिफेंड। तो उसको ये लग रहा था कि जो ये लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया है फैमिली के ऊपर, फैमिली के लोगों के ऊपर। तो डॉग जो उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत ज्यादा अपसेट है कि वो क्या करे। तो वो उसको ये लग रहा था कि उसकी ड्यूटी है डिफेंड, मतलब उनको बचाना, फैमिली के मेंबर्स को। जब भी व्हेन एवर यू आर हैविंग अ डॉग एट होम एंड सम पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सम अननोन पर्सन, देन द डेफिनेटली डॉग स्टार्ट्स बार्किंग। जब आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है, अनजान पर्सन आता है, तो वो बचाने की कोशिश करता है डॉग, मतलब उनसे भौंकना शुरू कर देता है। इसी तरह से वो भौंक रहा है, उसको ये गलत फहमी है कि वो लोग, वो जो स्कॉर्पियन फैमिली है, उन्होंने हमला कर दिया, तो वो कैसे बचाए। बट उसको ये चीज क्लियर नहीं है और उसको कोई क्लियर कर भी नहीं रहा। एज लगर जेटिया लगर टेजिया वाज द ओनली स्ट्रेंजर इन द रूम, ही केम टू द लॉजिकल कंक्लूजन दैट शी मस्ट बी द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सो ही बिट हर इन एंकल, दस डिड नॉट हेल्प मैटर्स वेरी मच। जो वो पर्सन है यहाँ पे नगर टेजिया, उसको लगता है कि सिर्फ वही है जो बाहर से आया हुआ है, तो उसको लगता है कि शायद उसी की वजह से परेशान हो रहे हैं ये सब। तो वो उसको जो है एंकल पे बाइट कर लेता है, मतलब जोर से बाइट करता है, काट लेता है दिस। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैटर तो सॉल्व उससे नहीं हुआ। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर हैड बीन रिस्टोर्ड, ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन देमसेल्फ अंडर वेरियस प्लेट्स एंड द बिट्स ऑफ कटलरी। इवेंचुअली आफ्टर इम्पेशेंट प्लीज ऑन माई पार्ट बैक अप बाय मदर लेजली सजेशन दैट द होल लॉट बी स्लॉटर्ड वाज स्क्वैश्ड। कि अब क्या हुआ, थोड़ा सा मैटर सॉल्व हो गया था, वो कैसे रिस्टोर्ड, मतलब थोड़ा सा सोल्व हो गया था। ऑल द बेबी स्कॉर्पियंस हैड हिडन, अब उन्होंने क्या किया, जो बच्चे थे स्कॉर्पियन बेबी से, उन्होंने हिडन देमसेल्फ अंडर वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी। उन्होंने क्या किया था, अपने आप को प्लेट्स के नीचे छुपा लिया, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे वो। जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इधर उधर छुप जाते हैं, एंड बिट्स ऑफ कटलरी, कटलरी